शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
समुंदर की मछली, लड़की का दिल और करेंसी नोट पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। जिसके हाथ लगी उसी की सगी। You're right, मछली और मोहब्बत तो तेरी जिंदगी में है, लेकिन माया का क्या करेगा? कैश मेरे लिए मोहब्बत ही सब कुछ है। अच्छा, वेरी गुड। कल रात दो लड़कियां मिली थी क्लब में, एक ब्लैक थी और एक वाइट, आइवरी एंड एबनी। घर किसको ले गया? पियानो बजाने बैठा हूँ। ब्लैक की है सिर्फ, वाइट की से तो बजेगा नहीं, दोनों बजाना पड़ता है। तेरी ये फिशिंग और ये पियानो ना मेरे समझ में नहीं आती। हाँ, एक तारा तेरी अच्छी तरह समझ में आता है मोना। ओके 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 ओके, ऑलराइट। वैसे उन दोनों की दो और सहेलियाँ भी हैं, अगर हाँ अगर तू चाहे तो हम चारों मिलके चल सकते हैं कहीं। हाथ तो दे। कमान कमान, इसकी माँ का गप्पर। लगता फंस गया, नेट में होल है। नेट में होल मतलब जेब में होल। गप्पर को निकालो वरना सारी मछलियां खा जाएगी। Captain, let it go! But you see, jumping like that? Captain, it's not wise for one guy to fight with a shark! Yeah, you're right. How about two? सेटल हो जा सेठ जी, पूरे वक्त का गब्बर चक्कर काट रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है सरकार कि मैं रिटायर हो जाऊं? राइट, रिटायर होने के लिए भी पैसे चाहिए। खेकड़े बेचोगे क्या सारी उम्र? फिर कोई दूसरा काम बताओ सरकार। छोटी मोटी मछलियां पकड़ने से क्या होगा सेठ जी, चलो कोई बड़ा हाथ मारो। लंबा हाथ मारो। लंबा हाथ यानी? ये कोई ट्रेजर व्रेजर ढूंढते हैं या? ट्रेजर मिल गया तो मारे न्यारे, जिंदगी बन जाएगी, और क्या हो? मेरे पास कोई कमी नहीं है सरकार, बंगला है, नौकरी है, मोना है, तुम्हारे पास क्या है? सेठ जी मेरे पास है लिया, दिया, जो न लिया ले लिया, एंड द लास्ट रिक्रूट नादिया। आपका दरबार शुरू होने वाला है सरकार। ओके सेठ जी, बॉक्सिंग रिंग में मिलते हैं। ओके, लेट्स गो। नॉट इफ यू आर टू टायर्ड। अरे शट अप। काउंटडाउन हैज बिगन अरफ, आज तू नहीं जीत सकता, आज मेरा दिन है। कम ऑन। दिन आपका होगा सेठ जी, लेकिन आपकी जेब में जो 100 का डॉलर है वो मेरा है, इसलिए हारोगे आप सेठ जी। इट्स नॉट दैट इजी। कम ऑन। कम ऑन सेठ जी, कम ऑन। अरे यार चेहरा संभाल के, शाम को मोना के साथ डिनर पे जाना है। छोड़े सेठ जी, आप मजाक कर रहे हो, यू नॉट सीरियस। अरे अरब लड़ रहा हूँ यार। ना ना, तू इतना टफ है तो मैं क्या करूँ? हाँ सेठ जी, मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ, समझे ना। चलो एक काम करते हैं, अपनी बेड बदलते हैं, 3-5
तीन पंच कहीं भी तुम मारो मुझे, बस गहनों पे मत मार देना। अगर मैं गिर गया तीन पंच में तो $100 मैं तुझे दूंगा, वरना तुम मुझे देना। मर जाएगा सेठ जी, बहाने मत बनाओ। हार जाएगा रफ। जिस दिन हार जाऊंगा दुनिया छोड़ दूंगा सेठ जी। Hit me, baby. One more time. Come on. Tisra. Give your best shot. Sir ji ke kehne gaye. Sorry, sir ji. मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं नहीं मारूंगा। 10, 9, 6, 2, 1, I won. अरे तू जो भी कहे। Come on, sir ji, get up. Give me a hug. तू कभी नहीं सुधरेगा अरव। आज तुम धोखे से जीते अरव। ये लो तुम्हारा पैसा। रख लो। जब दिल से खेलोगे तब ले लूंगा। अरे रख ले, तेरा ही है। ऑफ कोर्स मेरा है सेठ जी। इसकी किस्मत तो उसी वक्त डिसाइड हो गई थी जब तुमने इसे दांव पे लगाया था। चल रख ले, तू भी क्या याद रखेगा, डबल ले लूंगा बाद में। अरे ले 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 ले, तेरे ही बटवे से निकाला था जब तू ना रहा था। चलो सेठ जी नोट निकालो। अरे कल ले लेना यार, नहीं तो डिनर का बिल मोना को भरना पड़ेगा। एक बात बताओ सेठ जी, सारी जिंदगी बस ऐसे ही रहोगे क्या? ब्लडी पुअर मेंटालिटी, थोड़ा थोड़े की जरूरत। अच्छा ये बता, मेरी तनख्वाह कब बढ़ा रहे? अगर एक बाजी खेलो सेठ जी तो मुझे आपसे तनख्वाह मांगनी पड़ेगी। तेरी ये बकवास है ना, मुझे समझ में नहीं आती। लेडी इन ब्लू। दोबारा मत कहना। अरे सेठ जी, यही यही गुस्सा कभी रिंग में भी लाओ सेठ जी, तो मजा आएगा तुम्हें हराने में। अरे भैया सीरियस हो गए? अच्छा भाई मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी आओ। दुआ करता हूँ दोस्त कि तुझे इस गुस्से का सामना नहीं करना पड़े। जीतना मुझे अच्छा लगता है सेठ जी, मगर इतनी आसानी से नहीं। सो शेप अप डूड। मेरी रिंग में खड़े रहने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। इतना बड़ा बिजनेस, पैसा, ये लकी सरकार। बिजनेस अपने आप थोड़ी चलता है, दिमाग से चलाना पड़ता है। दिमाग भी इतना चलता है कि पूरी लाइफ अपने एक सेकंड के अंदर नजर आ जाती है। All the twists and turns, speed breakers, and at the end, it's all about one thing, and that is money at the finish line. Woohoo! Hey, officer, yo, seat belt. My apologies, sir. Smart son of a bitch. And never break the law. Hey. चलो बहुत हंसी मजाक हो गई सरकार, अब मुझे छोड़ो, कोई मेरा वेट कर रहा है। कर रहा नहीं, कर रही है। ओ यासा, आज दिल गुस्ताख है, पानी हो बे आग है, धड़कन भी बेताब है। सांसों में सैलाब है, क्या सुरीला खाब है, धड़कन भी बेताब है। धूप गम है देख के, दो बदन है रेत पे, साया लेकिन एक है, चल चल शरर रे। चल चल शरर तेरा जुनून, चल चल शर शरर रे, जाने कहा मिलेगा सुकून। आज दिल बस्ताब है, पानियों पे आग है, धड़कन भी बेताब है।
सपना अभी भी अधूरा रह गया, वो ओशियनोग्राफी मरीन इंस्टीट्यूट वाला, मरीन लाइफ को बचाने के लिए. लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए. आरव से मांग ले. आरव के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन मैं उससे मांगूंगा नहीं. लगता है तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा. मैं मछली पकड़ता रहूंगा और तुम पकाती रहना. तो क्या हुआ, हम दोनों साथ तो होंगे ना. अच्छा सुनो, सैम का कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं कहा है. चले यार मेरे देरी, चले यार मेरे देरी, चले यार मेरे देरी, वो भी रखता है को पैसे पैसे दर जो खेल खोल दिंदे सारे को. वैसे लोग मुझे सैम कहते हैं. But you, you can call me whatever you want. I'm Nikki. But you can call me Nikki. सुना है तुम एक चैंपियन रेसर हो? या, वो तो हूँ. हमारे स्टार राइडर से जीतो तो मानो. रेस, और इसके साथ क्या मजाक है निकी, प्लीज. इतना एटीट्यूड प्रॉब्लम है. हाँ है ना, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे स्टार राइडर के लिए. यू नीड बेटर कॉम्पिटिशन राइट चैंपियन. कौन है वो? प्राइज मनी. नाउ व्हाट डू यू से? ऐसे के पीछे मुड़ के देखना मुझे अच्छा नहीं लगता. तुम आगे निकलो, मैं कॉफी पी के आता हूँ. मैं वेट करता हूँ. तू पी के आ कॉफी. आई लाइक योर स्टाइल. बेस्ट ऑफ लक गाइस, द विनर टेक्स इट ऑल. स्टार राइडर.
I thought you said winner takes it all. 8 o'clock tomorrow. Pick me up for dinner. Well done. Tumhare liye kaam hai. Karoge? No way, man. Lekin agar paise acche mile, to so sakta. Take care, take care. Hey, Nikki. I feel terrible for your boss's loss, sir. My condolences to him. Gulshan se jitna har kisi ki kismat mein nahi hota. You're lucky. Luck? What is luck? Main kismat pe nahi, khud pe bharosa karta hu. Winning's a habit. Waise ek baat batao, ye Gulshan kya cheez hai? Kaam kya karta hai? Gulshan ko tum jitna kam jano, utna hi acha hai. Kaam ki kimat hai? $50,000. Cool, I'll do it. क्या करना है ये नहीं जानना चाहोगे? क्या फर्क पड़ता है? $50,000 बहुत होते हैं. I could use the money, Nikki. किस लिए? Future. हमारा future. हमें मिले मुश्किल से 12 घंटे हुए हैं और तुम हमारे future का सोच रहे हो? मैं तो पिछले 12 घंटे से सोच रहा हूँ. सिर्फ तुम्हारे हाँ कहने की देर है. हर बात कहने की जरूरत नहीं होती. I'll drink to that. हाँ, समीर सिंह. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. सैम. ओके. हाँ तो सैम, ये बाइक चलाने के अलावा क्या क्या कर सकते हो? हे गुलशन, यहाँ काम के लिए बुलाया या मेरी पर्सनल जिंदगी में कोई दिलचस्पी है? गाइस, रिलैक्स. सैम्स गुड. हमारा काम कर सकता है. Trust me. I trust him. भारी है. क्या है इसमें? मौका उठा ले. काम की कीमत है $50,000. एंड विद द डिले ऑफ एवरी मिनट यू लूज मनी. तुम्हारे पास 30 मिनट. आई जस्ट नीड 15. निकी,
आधे घंटे में घर पे मिलना। Have a bottle of champagne on ice. And yeah, अगर मिस कर रही हो तो फोन कर लेना। You losing money, Sam? 29 minutes and counting. So hurry up. Trust me, Gulshan. I'm losing a lot more than that. Hurry up. Hello. Hey, already missing me? Just checking. तुम्हारी गारंटी मैंने ली है। काम पे फोकस है ना? अरे जब तक तुम्हारा फोकस मुझ पे है, मेरा फोकस किसी और चीज़ पे कैसे हो सकता है निकी? I told you, I'm just checking. Checking what? मुझे निकले हुए 5 मिनट भी नहीं हुए। 5 मिनट में क्या होने वाला है यार? Bike number 9285. दुनिया का सबसे बड़ा नशा, risk. आवाज कैसी? साइरन, फ्रीवे पुलिस। लगता है किसी बेचारे की बैंड बजने वाली है। ओह नो। क्या हुआ? अभी पता चला है कि पुलिस जिसके पीछे लगी है ना, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो तुम्हारे पीछे है? पीछे है और पीछे ही रहेंगे। सैम, तुम फोन रखो और वहाँ से निकलो। अगर तुम बैग के साथ पकड़े गए तो? डोंट वरी स्वीटहार्ट, आज मरने का मूड नहीं है। राइट मेरे आदमियों ने तुम्हें फोन किया था और तुमने काट दिया। बुरी बात है। क्या है ना गुलशन कि मेरे कान बड़े सेंसिटिव है और तुम्हारे आदमियों की जबान साफ नहीं, सो गो फिगर। अरे भाई परायों को गाली थोड़ी ना दी जाती है, अपनेपन की बात है। एनीवेज अगर अपनापन बनाए रखना चाहते हो तो मेरा बैग लौटा दो, और या फिर उसकी कीमत $50 million। $50 million? ऐसा क्या था उस बैग में? मेरा बैग, कीमत भी मैं ही तय करूं। तुम लकी हो सैम, बहुत लकी। अक्सर मेरी आवाज सुनने से पहले लोग अपनी मौत की आहट सुनते हैं। अपनेपन की बात है,
दो दिन दे रहा हूँ, $50 million या Nothing's okay, Nikki. एक तरफ पुलिस पीछे पड़ी है, दूसरी तरफ गुलशन के आदमी बाइक उड़ा दी, जान से मारने की धमकी दी, लेकिन वो मुझे नहीं तुम उसे नहीं जानते सैम, धमकी दी है तो he really will kill you. So what? मुझे मारने से पैसे वापस तो नहीं मिलेंगे ना? That's not the point. उनका बिजनेस डर से चलता है और इस डर को मेंटेन करने के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं. सैम, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहां तुम सबसे दूर रह सको? एक जगह है निकी, बहामास. मेरा भाई रहता है वहां पर. दैट्स परफेक्ट. गुलशन को कभी पता नहीं चलेगा. आज हलम कि तुम फिलीपींस, मॉरिशस कहीं भी भाग गए हो. लेट हिम कीप लुकिंग. तुम साथ नहीं चलोगी? अभी नहीं, वरना यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें कौन बताएगा? But Sam, तुम चले जाओ. I'll join you as soon as this problem gets solved. Okay? Sam? कैसा है तू? ओके, ठीक हूँ. ठीक हूँ. हाँ, एंड यू? मुझे क्या होना है, जैसा था वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूँगा. इसका मतलब मुझे घर फिर से छोड़ के भागना पड़ेगा. मुझे माफ कर दो भाई. I really missed you. I missed you too, Sam. माफ कर दो. कहां गया था? गलती हो गई. अगर दोबारा गलती की ना तो जहां मिलेगा वहीं मारूंगा. वैसे भाई, यहाँ के लोग अभी भी दिन में फिशिंग और रात को फिशिंग के बुक्स पढ़ के जिंदगी बिताते हैं या कुछ और क्लबिंग वबिंग, यू नो व्हाट आई मीन? क्यों, कोई बुरा है क्या? अरे एक दिन भी नहीं हुआ है तुझे यहाँ आए, क्योंकि यहाँ के लोगों से प्रॉब्लम हो गई यार. चल आज मैं तुझे यहाँ के सबसे इलीट नाइट क्लब में लेके जाऊंगा. सुधर जा, सुधर जा. अरे कब तक ऐसा रहेगा? अरे सुधर के क्या हो जाएगा, तू देख तेरा हाल देख. सुधर के क्या हुआ? हाय. अरे मुझे बता देता कोई गेस्ट आ रहा है तो मैं पहले रिजर्वेशन करवा लूं. गेस्ट? कौन सा गेस्ट? तूने इसे पहचाना नहीं? नहीं? उसकी छोड़ो, तुम्हारे बिना मैं मिलती तो मैं भी नहीं पहचानता. Hey, Mr. Sam. Whoa. अरे भैया, what's up man? कैसे हो? और by the way, आरब भैया इन दोनों के लिए रखना. Hey. मेरे लिए सिर्फ आरब. So lovely. That girl is really hot. कौन वो? उसका तो चेहरा भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा. Trust me when I tell you she's hot. Okay. अरे क्यों उसे बिगाड़ रहा है? बिगाड़ नहीं रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ. भैया एक लड़की है, जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए. You know you should have variety. Unless of course मोना भाभी जैसी special. भाभी होगी तेरी girlfriend. और तुम पैदाइशी ऐसे हो या practice करनी पड़ती है? जी पैदाइशी.
He won't change. ये ना ये कभी नहीं सुधरेगा। Yeah, but I don't think. सुन, अब मैं तुझे समझाता हूँ कि एक एक्सक्लूसिव क्लब में एक एक्सक्लूसिव लड़की को कैसे उसे उठाते हैं। Just watch me, okay? Hey, हाँ बोल। चलना यार, इतना गया ही नहीं इसका। Couple of beers, table number 6, please, fast. Hey! Hey, that's Kylie Minogue. Hey, idiot. I don't work here. I'm sorry, my bad. Don't let it happen again. Oh! Well, I know you're not working here. Or else how am I supposed to bring you away from those guys? Why would you want to do that? Because I noticed you looking at my direction. Baby, there was a giant clock across from where you were sitting. I was just keeping time. Come down, Selecta. Rewind. Every man who ever sees me wants to hold my hand and be the one who gets me to say, oh, I do. They swear eternal undying devotion. Yes, I swear that they will love me forever, love me true. But I don't need the shining star, and I don't want to be rescued. No, neither from my charming prince nor my summer's barbecue. I wanna shiki riki with you. I wanna cheeky wiggy with you. I wanna cheeky wiggy with you. Just cheeky wiggy with you. I wanna cheeky wiggy with you. Boy, I wanna cheeky wiggy with you. Boy, I wanna cheeky wiggy with you. Bella, just cheeky wiggy with you. Baby, free your mind. Free is the way to live it up. Free to go. Free if I don't wanna give it up. Free to groove. The dance floor is where I wanna be. Free to move. White picket fences frighten me. I wanna cheeky wiggy with you. Boy, I wanna cheeky wiggy with you. Boy, I wanna cheeky wiggy with you. Bella, just cheeky wiggy with you. Baby, ख्वाहिश कातिल ये अदा है कातिलाना ये नुमाइश कर ले। चिकी विकी मेरे संग सोनी कर, चिकी विकी मेरे संग जानी कर, चिकी विकी संग संग हीरी है, चिकी विकी चिकी विकी चिकी विकी चिकी 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 विकी मेरे संग सोनी कर, चिकी विकी मेरे संग जानी कर, चिकी विकी संग संग हीरी है, चिकी विकी चिकी विकी चिकी विकी चिकी 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 विकी विच बॉय। तेरा हुस्न है रहमत या गजब, तेरा इश्क इबादत या खता। तेरा हुस्न है रहमत या गजब, तेरा इश्क इबादत या खता। तू कहे तो तेरे संग संग जिंदगी या गुजारू आज की रात। रात तू कहे तो दिन, तू कह दे तो शाम, तू जो कहे वो सच, जो तू कहे वही मेरा नाम। नाम कर, चिकी विकी मेरे संग सोनी कर, चिकी विकी मेरे संग जानी कर, चिकी विकी संग संग हीरी है, चिकी विकी चिकी विकी चिकी विकी चिकी चिकी। I wanna cheeky wiggy with you boy, I wanna cheeky wiggy with you boy. Oh, cheeky wiggy, oh थोड़ा cheeky wiggy, सुन हाल दिल का। आजा चिकी विकी ओ कर चिकी विकी, ओ क्यों सोचे कल का। आजा चिकी विकी ओ थोड़ा चिकी विकी, सुन हाल दिल का। आजा चिकी विकी ओ कम ऑन चिकी विकी, ओ क्यों सोचे कल की बात बात। ओए ओए
คุณได้เข้าสู่ระบบฝากข้อความของหมายเลข Hi Nikki It's me Sam मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ Listen Actually I'm in the Bahamas Miss you yeah Wish you were here जल्दी मुझे फोन करो Or better Just get here Bye Wow! Ducati 999. You like it, mate? 0 to 100 in 3.6 seconds? Like it? She's my dream, man. And this is yours. Nahi, 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 yaar. Bhaiya hamesha kehte hain, jo gift de nahi sakte, usse le bhi nahi sakte. Lekin main jise kabhi gift deta hoon, to itna dhyan rakhta hoon ki 100% usse zyada wapas mil jaye mujhe. Kisse? भगवान से नहीं भैया जिसे मैं गिफ्ट देता हूँ यानी कि तुझसे Come on man, you're joking. I'm not joking. I'm really serious about her. वैसे भी तेरा भाई सागर वो चाहे तो एक चुटकी में अमीर बन सकता है तब इस गरीब दोस्त को मत भूल जाना And by the way, enjoy your ride. I'll find another ride. Hello? Are you sure? Excuse me. Yep. Can I ride you? Excuse me? I'm going to say, can you ride me home? It's the 22 brother asking. Hop Please. in. See you later. Okay, see you later. Bye-bye. Enjoy your ride, Sam. Take care. Have fun. Sam, what's this mess? शायद ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए भैया What a mess. दुनिया जानती वो खजाने की कहानी सच है मैंने तुझे पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि वो कहानी बहुत बड़ा झूठ है आप मुझसे झूठ बोल रहे हो भैया आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो अगर खजाना मुझे मिला होता तो मैं तुझे नहीं बताता तुझसे छुपाता Hey Sam, तुझे ये अंगूठी कहाँ से मिली? ये तो मैंने मोना के लिए खरीदी थी। And by the way, it's bad manners. मेरे चीजों में झांकना नहीं हाँ? क्यों भैया? मुझसे और भी कुछ चीज छिपा के रखी है क्या? Why don't you just admit it? आपको खजाना मिला था। सुन Sam, ये कहानी झूठी है। और इस झूठी कहानी की वजह से बहुत लोगों की जाने गई हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी कहां हंस रहा हूं छोड़ अब जाके सो जा कल अरब के बोर्ड पे जाना है ओके ए अरब या क्या ये बाइक चलती भी है या बस यूं ही Because I really don't see the point of a bike being on a boat, you know. Bike chale na chale, dimag chalna chahiye bas. Cheers. Arab hamesha apni boat pe bike rakhta hai. Right. Idhar udhar ke islands pe ghumne ke liye. That's Arab for you. He's always got two of everything. Well said, ma'am. Two of everything. रंगीन शरारे बारिश के तारे सदरंग वफा का सागर में क्यों है कभी
सुर्ख लहू है कभी रंग ब्लू है यहाँ पीने का मजा ही कुछ और है। आदमी पीता है होश खोने के लिए और यहाँ होश खोया तो दुनिया का सबसे बड़ा नशा है रिस्क। तेरा दिमाग खराब है। मोना के साथ तेरा रिश्ता भी तो एक रिस्क है। उसकी जिंदगी में भी उसके कोई सपने होंगे, उसकी कोई ख्वाहिशें होंगी। सारी उम्र तो वो तेरा इंतजार करेगी नहीं। करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल अपने बैंक में नोट की ग्रीनरी नहीं है। तेरी इस ग्रीन प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, ब्लू। लेडी इन ब्लू। अब भी समुंदर की गोद में सो रही है अपने खजाने के साथ। इतना क्या सोच रहे हो सेठ जी, जिंदगी भर किनारे पर रह के कचरा ही जमा करना है क्या? इस आइलैंड पे इतने डाइवर्स हैं, किसी और के साथ क्यों नहीं चला जाता तू? मेरे में क्या खास बात है? खास बात है तुम आदेश सिंह के बेटे हो। आदेश सिंह जो इस समुंदर को यहाँ की मछलियों से ज्यादा जानता था और जिसके हाथ लेडी इन ब्लू का खजाना लगा था। तू क्या जानता है लेडी इन ब्लू के बारे में? ...1947 इंडिया आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इंडिया से लूटी हुई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इंडिया को वापस लौटाने का फैसला किया। जुलाई 1949 इंडियन नेवी शिप लेडी इन ब्लू पर यह संपत्ति वापस आ रही थी। तभी एक तूफान आया और वो शिप यहीं कहीं डूब गई अपने पूरे खजाने के साथ। अच्छी कहानी है पर अधूरी है। असली कहानी यह है कि वो शिप पर तूफान नहीं आया था, कैप्टन की नियत पर तूफान आया था। उसने शिप डुबोई और खजाना कहीं छुपा दिया। अक्टूबर 1949 उसका कोर्ट मार्शल हुआ। वो कैप्टन गद्दार था। दुनिया तो यह भी कहती है कि तुम्हारे पिता आदेश सिंह को उस खजाने का एक हिस्सा मिला था और उसके बाद वो यहाँ के किसी जवान लड़की के साथ ये देश छोड़ के चला गया और पीछे तुम लोगों को छोड़ के चला गया अपनी ये बेजार जिंदगी के साथ। अच्छा चक्कर चलाया आदेश सिंह ने। ये गलत है, उनको कोई खजाना नहीं मिला था। ये दुनिया गलत है और तू भी। एक बात समझ ले आरफ, दुनिया की कोई भी लालच होना
मुझे वहां जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मुझे वह खजाना नहीं चाहिए। मेरे पैर जमीन पे टिके हैं और वहीं टिके रहेंगे। किसी दिन अगर मैंने जमीन खिसका दी तो खजाना तो तुम्हें निकालोगे सेठ जी, क्योंकि मेरा मन कहता है और जब आरव कुछ कहता है तो वही होता है। जय सेठ जी। बरसों बाद में परेड में नाच रही हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं नाच रहे हो? मैं आरव के बारे में सोच रहा हूँ। आरव? तुम हमेशा आरव के बारे में सोचते हो, कभी अपने भी बारे में सोचो ना। क्या मेरे बारे में सोच लो, इसमें भी कोई नुकसान नहीं। मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। सागर, अब क्या हुआ? इतने सालों से आरव इस आइलैंड पे रहता है। मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं। इतने पैसे होने के बावजूद भी वो सिर्फ मुझसे दोस्ती क्यों करता है? तो तुम कहना क्या चाह रहे हो कि आरव ने किसी वजह से तुमसे दोस्ती कर रखी है? Don't you think it's a bit much, सागर? हम आरव के बारे में बात कर रहे हैं। Nothing is too much. आदमी अंधेरे में तब बैठता है या तो उसे इश्क हो गया हो या फिर वो परेशान हो। एक और वजह भी हो सकती है। क्या? जब रोशनी चली जाए। कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? वरना तू इतना इमोशनल नहीं है कि मुझे मिस करे और मुझे मिलने चला है। 5 साल तू कहां था, क्या कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू सिर्फ मुझे हेलो बोलने आया है? अगर मेरे यहां रहने से आपको कोई तकलीफ है तो कह दीजिए, चला जाऊंगा। मेरे से दूर रहकर खुश था तू? दुखी भी नहीं था। खैर, 5 साल के बाद तू यहां आया है, मैं तुझे कैसे जाने दूं? तुझे नहीं बताना है तो मत बता, लेकिन वन थिंग आई वांट टू टेल यू सैम, आई एम देयर फॉर यू, ऑलवेज हैव। Yeah.
Nikki? Hello, Nikki? Hello? Nikki? Hello? कभी हमसे भी तो बात करो सैम। गुलशन, निकी कहाँ है? बेचारी, तुमसे दोस्ती करने की छोटी सी कीमत चुकानी पड़ी उसे। खैर, तुम जल्दी ही उसे मिलोगे, और जब मिलोगे तब सॉरी कह देना। गुलशन, तुम्हारा प्रॉब्लम मुझसे है, पहले ये बताओ निकी कहाँ है? सवाल ये नहीं है कि निकी कहाँ है, सवाल ये है कि इस वक्त तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। Out of my way! Move aside!
wrong with you? आरव, तू यहां पे क्या कर रहा है? कौन थे वो लोग? क्यों कर रहे तेरा पीछा? मैं क्या क्या बताऊं यार तुझे? और मैं बैंकॉक छोड़ के यहां चला आया। सोचा था वो लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन वो यहां तक आ चुके हैं आरव। अब अगर मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो दिल किल मी। तुमने तुम्हारे भाई को बताई ये बात? नहीं आरव, मैं जानता हूं भाई क्या कहेंगे। I know him. Get out from my sight. मैंने कहा ना कोई फायदा नहीं। एक मिनट सैम, मुझे बात करने दो। सागर, ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये इसी लायक है, इसकी गलतियों का जिम्मेदार ये खुद है। मैं कुछ नहीं कर सकता। सर जी, ये मॉरल साइंस का लेक्चर देने का वक्त नहीं है। ईमानदारी का झंडा अगर पकड़ के रखा तो इसकी जान चली जाएगी। कुछ भी हो सकता है। वी ऑल हैव टू हेल्प हिम। ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर जी, वी हैव टू हेल्प हिम। अरे कहां से लाऊंगा इसके $50 million? अगर मेरे पास लिक्विड कैश होता तो मैं दे देता, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। उसके लिए मुझे वक्त लगेगा। आरव, ना ही मैंने तुझसे कभी पैसे लिए हैं ना कभी लूंगा। मेरे भाई की जान बचाइए, इतना ही काफी है। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? सेठ जी, वी आर फ्रेंड्स। स्टॉप दिस यार, स्टॉप दिस ब्लडी बुलशिट ऑफ फ्रेंडशिप। वो लोग और इंतजार नहीं करेंगे। अगर उनको अपना पैसा नहीं मिला तो आई एम डेड। डू यू हियर दैट? आई एम डेड। किस्मत अच्छी थी जो बच गया। हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा हमें? क्या करना होगा हमें? Do you have a damn plan? Yes, भाई, I have a plan, जिसमें हमें बहुत पहले चलना चाहिए था। Lady in blue, सर जी, वाह सर जी वाह, इतने महीनों से मैं पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझसे झूठ बोलते रहे सर जी। क्यों सर जी, क्यों? Why? I'm sure, सेठ जी, आपके पास अपना कुछ कारण होगा, पर फिलहाल हमें समुद्र के अंदर जाके ट्रेजर को लेके आना है और सैम की मदद करनी है। एंड आफ्टर दैट गाइस, वी ऑल बी रिच, विल बी रिच, विल बी हैप्पी। कम ऑन सेठ जी, लेट्स गो सेठ जी। सेठ जी, सेठ से अपना ही घर समझ, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। डोंट वरी, यू आर सेफ हियर। मैं कोशिश करता हूं जल्दी से पैसों का इंतजाम करने की। नहीं आरव, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता हूं। यहां रहूंगा तो कभी ना कभी वो ढूंढ लेंगे। मुझे ये आइलैंड छोड़ के जाना होगा। डोंट बी स्टूपिड, कब तक भागे और कहां तक भागेगा? दुनिया के कोई भी कोने से तुझे ढूंढ सकते हैं। फॉर देम, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोना बी डिफिकल्ट टू फाइंड यू लाइक दिस? ऐसे ढूंढ लेंगे तुझे। तो मैं क्या करूं? हां, क्या करूं मैं? कुछ नहीं, मैं सेठ जी से बात करता हूं। आई विल ट्राई एंड कन्विंस हिम। अगर वो मान गया तो आज ही चलते हैं। विल गो फॉर द ट्रेजर हंट नाउ। भाई कभी नहीं मानेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है, है ना? क्या हम दोनों खजाना खुद नहीं निकाल सकते? मुझे रफली पता है कि कहाँ है, और आपके पास इक्विपमेंट है। वी कैन डू दिस आरव। ग्रो अप मैन, जस्ट ग्रो अप। लुक देयर, वहां देखो, क्या लगता है समुद्र का कलर क्या है? ब्लू, राइट? रॉन्ग, लाल है। द कलर ऑफ ब्लड। बहुत लोगों का खून बहा है यहाँ। बिना अपना खून बहाए
सिर्फ तुम्हारा भाई है जो ट्रेजर को ला सकता है बिकॉज ही नोज द ओशन लाइक अ पैक ऑफ हिज़ हैंड्स। वैसे भी कभी अंदर जाने की कोशिश मत करना, अपनी जान का वो बैठोगे। पर आई नो हमारे भाई कभी तैयार नहीं होंगे, कभी नहीं। होगा, आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से नहीं। रिलैक्स सागर, इतने परेशान मत रहो, हम किसी ना किसी तरह सैम को इस मुसीबत से निकाल लेंगे। We'll get him out of this mess. Surprise! भाई साहब हम बात कर सकते हैं, होगी बातचीत। नाउ लेट मी गन टॉक, ओके? अभी जी को बैंकॉक का हेलो पसंद नहीं आया? बकवास बंद करो, क्या चाहिए तुम्हें? सैम, तुम्हारा भाई। सैम ने तुम्हारा क्या किया है? उससे पूछ कहां मेरे $50 million। तुम्हें जो करना है कर लो, सैम तुम्हें नहीं मिलेगा। चौबीस घंटे, $50 million या सैम। मेरे पास एक रास्ता है, आई नीड अ गन। I'm gonna kill those bastards. सैम, ना तू जानता है ना हम जानते हैं कि वो लोग कौन है, उनकी ताकत क्या है, कहां तक उनकी पहुंच है। अब... और कोई रास्ता है आरव? निकी को मार दिया, मोना को मार देंगे, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम सब समुद्र के नीचे चले जाएंगे। आई हैव टू गो। सरकार, याद है तुमने कहा था कि पैरों के नीचे से जमीन हट जाए तो जमीन हट गई है सरकार।
अब सेठ जी एक ही लेडी हमें बचा सकती है, लेडी इन ब्लू। भाई और कोई रास्ता नहीं, ऐसा कौन सा डर है, कौन सा डर है जो हमारी मौत से भी ज्यादा डरावना है भाई? हाँ डैड की मौत, डैड की मौत मेरी वजह से, डैड एक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डाइवर्स, डूबे हुए जहाजों को ढूंढ निकालना उनका पेशा ही नहीं शौक भी था। उस दिन जब वो एक ऐसे ही मिशन पे निकले तब मैं जिद करके उनके साथ चला गया, पैराडाइज कोव, एक ऐसी अनोखी जगह जहां समुंदर और जमीन मिलते भी हैं और नहीं भी, जहां हर कदम पे मौत का पहरा है, जॉज ऑफ डेथ। वहां पर हमें एक और डूबा हुआ जहाज दिखाई दिया, लेडी इन ब्लू, जिसकी कहानियों के किस्से मैंने डैड से सुने थे, वो आज हमारे सामने थी। अचानक डैड को वहां एक अंगूठी मिली, उन्होंने उस अंगूठी को अपने पास रख लिया, फिर हम आगे बढ़े, तभी मुझे एक सोने का जेवर नजर आया, मैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ा, जल्दबाजी में मेरे टक्कर से एक लोहे का बीम टूटने लगा, मैं उसके नीचे दबी जाता लेकिन डैड ने मुझे बचा लिया और खुद उस बीम के नीचे फंस गए। हमने उसे हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और ऑक्सीजन लेवल दिखाकर कहा कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले मुझे वापस जाना चाहिए। उन्होंने वो अंगूठी मुझे दी और देकर कसम दी कि मैं इस खजाने का जिक्र किसी से ना करूं। डैड की ना तो मैं कोई मदद कर सका और ना ही उनकी जान बचा सका, मेरी एक गलती डैड के लिए जानलेवा साबित हो गई। मैं फिर उस जगह कभी नहीं गया, कभी नहीं। उस ट्रेजर ने डैड की जान ली, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। I'm sorry, सर जी। अपने पिता की मौत का गम तो जिंदगी भर सहता रहा, एंड फॉर दैट यू वर नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल, लेकिन सैम और मोना के साथ जो होने वाला है उन्हें तुम बचा सकते हो, कुछ कर सकते हो तुम। हमारे पास 24 घंटे हैं। कैसे कहा हुआ तुझसे कब जुदा या खुदा, हंसू या मैं रोऊं बता, हुई मुझसे क्या खता क्या गुनाह।
डाइविंग के तीन गोल्डन रूल्स हैं, सांस कभी नहीं रोकना, संयम रखना और हमेशा साथ रहना, क्योंकि साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।
How are you feeling, Sivji? Everything okay? मैं ठीक हूँ. सैम कहाँ है? राम लक्ष्मण हनुमान. वो क्या है कि मैं थोड़ा क्यूरियस टाइप का आदमी हूँ. मुझे लगा कि तुम लोग 50 million dollars लाओगे कहाँ से, तो खुद ही देखने निकल पड़ा. चौबीस घंटे अभी तक खत्म नहीं हुए. Whatever the hell your name is. गुलशन. वो क्या है हनुमान, पानी के नीचे सोने की लंका तो मिल गई है तुम्हें, लेकिन तो भूल कैसे गया कि तेरी सीता अभी भी मेरे पास है. अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे गुलशन. क्या है कि अब मेरा मूड बदल गया है और नियत भी. अभी इस लेडी के बदले मुझे वो लेडी चाहिए. फेयर इनफ. एंड आई होप यू गाइस डोंट माइंड अ लिटिल कंपनी. वो क्या है ना कि आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता. अब क्या करें? वो पांचों की मुलाकात गब्बर से करवा देते. सो कम ऑन गाइस, हिट द वेव्स. चलो. सवाल ये नहीं है कि मेरा क्या होगा, सवाल तो ये है कि अगर वो लोग खजाना लेके नहीं आए तो तुम्हारा क्या होगा. क्या होगा तुम्हारा? Thank you.
अरब गुलशन के आदमियों को ठिकाने लगा रहे हैं। डोंट वरी, ये हमारा ही प्लान था। और रियली हाय सैम, तेरा वो ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर स्मार्ट और अब ओवर अनलकी फ्रेंड आरव मल्होत्रा कहाँ है? उसे क्या लगा वो मुझे डबल क्रॉस करके सारा खजाना ले जाएगा? सुन, तेरे भाई का दोस्त आरव और मैं पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं। उसने मुझे काम दिया तुझे भगा के यहां भेजने का, जो मैंने ईमानदारी से किया, लेकिन उसने बड़ी बेईमानी की तुम लोगों के साथ भी और मेरे साथ भी। He didn't tell me about the treasure. वो सारा खजाना खुद हड़पना चाहता है। यकीनन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बंगले के बदले बोट, चलो कोई बात नहीं। हाय मिस्टर मल्होत्रा, नाइस टू सी यू अलाइव। पहचाना? क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? सैम को बैंकॉक में फंसाया, काम हो गया। मोना को किडनैप किया, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। मेहनत हम करें, फल तुम खाओ, बुरी बात है। ये झूठ बोल रहे सेठ जी, मेरी बात सुनो। सेठ जी, सेठ जी, इसकी बकवास मत सुनो। What's wrong with you, man? Okay. Okay. I can explain. Mayday, mayday, come in Coast Guard. हमें मदद की जरूरत है।
तूने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया क्यों? बहुत शौक है ना तुझे जीतने का? दोस्ती में हार का मजा क्या होता है तू नहीं जानेगा, कभी नहीं। We request you to immediately leave your position and head towards the nearest port. तूने मेरे साथ गद्दारी की क्यों? बॉक्सिंग में मैं तुझे हमेशा जिताता था और उस जीत को तू अपनी जीत समझता था। बिलीव मी सेठ जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, आज मैं वाकई में हार गया हूं। याद है उस दिन मैंने क्या कहा था? जिस दिन हार जाऊंगा दुनिया छोड़ दूंगा सेठ जी। Don't worry, Sam. Nobody would have ever harmed you. Ruk ja, Arav. Your game is up. There's nowhere to go. That's it, Sir Ji. Aaj mera aakhri din hai. Arav, ruk ja. I'm sorry, Sir Ji. I have to do this. I'm sorry for everything, Sir Ji. वापस जाना चाहिए प्लीज सागर, तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है। इस तूफानी समुद्र में अरव का बचना नामुमकिन है। हम यहां फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जब भी यहां आया हूं मैंने किसी अपने को खोया है। हेलो सेठ जी। अरव, इज दैट यू? तुम भूल कैसे गए सेठ जी, मेरी कोई भी चीज सिंगल नहीं होती। आई ऑलवेज हैव अ प्लान बी। द बाइक, रिमेंबर सेठ जी, आई यूज्ड इट टू प्लान माय एस्केप। काफी देर मैं उसके सहारे सांस लेता रहा। तुमने सोचा होगा कि उस तूफान में मेरे बचने की उम्मीद ही नहीं है और तुम वहां से चले गए। बट नो सेठ जी, आई सर्वाइव एंड डिड द रेस्ट। लेडी इन ब्लू, जिसने तुमसे तुम्हारे डैड को छीन लिया और हमारे खानदान से हमारा नाम, हमारी इज्जत, सब कुछ खत्म कर दिया। गद्दारी का दूसरा नाम है कैप्टन जगत मल्होत्रा, मेरे दादाजी। उनका पोता मैं, आरव मल्होत्रा। तमाम दलीलों को सुनने और उस पर अध्ययन करने के बाद यह ज्यूरी कैप्टन जगत मल्होत्रा को पूर्ण दोषी करार देती है। अपने जहाज लेडी इन ब्लू को डूबती हालत में छोड़कर देश की संपत्ति के लालच में कैप्टन जगत मल्होत्रा ने गद्दारी का जो प्रमाण दिया है उसे मद्देनजर रखते हुए यह ज्यूरी अब तक कैप्टन जगत मल्होत्रा को दिए गए बहादुरी और प्रशंसनीय सेवा के सारे प्रशस्ति पत्र और मेडालियन जब्त करने का हुक्म देती है और कैप्टन जगत मल्होत्रा को भारतीय नौसेना से तुरंत बेदखल करती है। कैप्टन जगत मल्होत्रा तेरे दादाजी थे, तो ये बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? छह साल का था तब से सुनता आ रहा हूं। आरव गद्दार खानदान का बेटा है। I passed the naval cadet corps but was never commissioned. पूछने पर पता चला कि हमारी फैमिली हिंदुस्तान में ब्लैकलिस्टेड है। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि लेडी इन ब्लू का खजाना ढूंढ कर ही रहूंगा। पता चला कि उस खजाने तक सिर्फ एक ही आदमी पहुंचा सकता है, तुम। तुम्हारे बारे में पता किया और फिर तुमसे दोस्ती की। आई ट्राई टू कन्विंस यू टू फाइंड द ट्रेजर बट यू केप्ट ऑन रिफ्यूजिंग। उसके बाद की कहानी तुम अच्छी तरह जानते हो। ये सब तुम्हारी मदद से हुआ है सेठ जी। बट आई हैड टू क्लियर माई फैमिलीज नेम। मैं आप लोगों से अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती आरव। तुम अपने फैमिली का नाम क्लियर करने निकले और किसी और की फैमिली को बर्बाद करने के लिए। वो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था मोना, बिलीव मी। आई हैड नो इंटेंशंस टू हर्ट यू ऑल। मे आई स्पीक टू सैम प्लीज? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी आरव।
सैम, सैम मुझसे भी नहीं। निकी, निकी तुम जिंदा? Oh, of course. You're with Arif. Arif is my husband. I'm sorry मैंने तुम्हें धोखे में रखा, but it wasn't about you. It was about my family's honor. क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सेठ जी, कायदे से ट्रेजर ढूंढने वाले को 20% मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने वो सारा पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है। अब तुम सचमुच के सेठ जी हो गए हो। कंग्रेचुलेशन सेठ जी। क्या मतलब आरव? सेठ जी अब प्लीज, अब मॉरल साइंस का लेक्चर मत छोड़ना। ये तुम्हारा हक है, तुम्हें मिलना चाहिए। बस एक अच्छी सी बोट ले लो, बड़ी वाली, मोना का इंस्टीट्यूट खुलवा लो। और सैम हमेशा के लिए ऐसे ही ऐसे आराम से रहे। हमारी फिक्र मत कर आरव, अपनी फिक्र कर। It's not over yet. फिकर सेठ जी, टिपिकल सेठ जी। फिकराना हो के हम जिए, खामखा हम जिए न क्यों, बेपरवाह हो के हम जिए, खामखा हम जिए।
साफ निगाहें, बेबाक अदाएं, शफाफ दिलों में बेदाग वफाएं, सागर के दिल में जितने खजाने, दिल के सागर में उतने फसाने। आतिश अंगारे, शोलों के धारे, रंगीन शरारे, बारिश के तारे, सदरंग वफा का सागर में क्यों है, कभी सुर्ख लहू है, कभी रंग ब्लू है। बेबाक अदाएं, शफाक दिलों में।